नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे नोखा विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई। सभी पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी। नोखा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने रहा से रामेश्वर डूडी की जगह उनकी पत्नी सुशीला डूडी को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर बिहारी लाल बिश्नोई को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रामेश्वर डूडी कांग्रेस के दिग्गज नेता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते इस बार पार्टी ने रामेश्वर डूडी की जगह उनकी पत्नी पर दाव खेला है। नोखा विधानसभा सीट के 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी नेता बिहारी लाल बिश्नोई ने 8,663 मतों के अंतर से कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को हराकर जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को 78,254 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी नेता बिहारी लाल बिश्नोई ने 86,917 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। अब अगर यहां के साल 2013 के चुनाव पर नजर डालें तो 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में नोखा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर डूडी ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कन्हैया लाल झंवर को 40,007 वोट मिल गए थे और वह दूसरे पायदान पर रह गए। अब बात करें नोखा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 2,80,000 के आसपास मतदाता है। नोखा विधानसभा सीट जाट बाहुल्य सीट है। इसके अलावा बिश्नोई समाज के लोग भी यहाँ प्रभाव रखते हैं। अन्य जातियां समीकरण भी इस सीट पर जीत और हार तय करते हैं। अब बात करते हैं 2023 के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला डूडी। सुशीला डूडी पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी है। बता दें डूडी जिला प्रमुख, सांसद और विधायक रह चुके हैं। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल बिश्नोई की, तो वह पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। वे 2018 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। उन्होंने 2018 के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी को हराया था। बीकानेर जिले की नोखा विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार नोखा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।